स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी नमस्ते मेरा नाम है डॉक्टर दीपानता और आपका स्वागत है स्टडी आई क्यू के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स इन न्यूज बेसिकली ऐसे अग्रीमेंट्स जो काफी बज में थे अगेन माई फेवरेट वर्ड इज बज बजर इट कम्स टू फ्रिलिम्स क्योंकि इतना सारा न्यूज रहता है इतने सारे यू नो हाइलाइट्स रहते हैं इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फिगर आउट कि क्या इम्पॉर्टेंट है और क्या छोड़ना है राइट एंड जो आपको लगता है कि अरे ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यू नो इंडिया इज़ पार्ट ऑफ हिट या कोई स्टेटमेंट आया है या यू नो देर इज सम्यूज़ में कुछ मैंशन किया गया है आजकल आप नोटिस ही कर रहे हो कितने सारे इंडेक्सेज और रिपोर्ट्स आ रहे हैं जनवरी से ले कर अभी तक देर आर सो मेनी इंडेक्सेज एंड रिपोर्ट्स एंड ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो यू नो इट इज़ बेसिकली सम रैंडम कॉरपोरेशन इज़ रिलीजिंग इट या कोई एजेंसी रिलीज़ कर रहा है कोई यू एन रिलीज़ कर रहा है तो इतने सारे इंडेक्सेस में कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डू सिमिलरली अग्रीमेंट्स पूरे साल लास्ट ईयर इतने सारे अग्रीमेंट्स और बातचीत हुआ है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट क्या इंपॉर्टेंट है और नहीं है और यही काम सिंप्लीफाई करने के लिए आई हैव गॉट दिस वीडियो एक ही वीडियो में सारे जो इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स बर्ज में थे उसको मैंने ब्रीफली आई हैव जस्ट कवर्ड इट अप एंड एज यूजल ये पूरा पी पी टी आपको मिल जाएगा एट डी डब्ल्यू लाइव टेलीग्राम चैनल में है मेरा और इंस्टाग्राम में भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन है या आपको जस्ट यू वॉन्ट टू टॉक

चाहे आप गूगल से करो चाहे आप कोई मंथली मैगज़ीन से अगर पढ़े हो आप या आपके खुद के पास नोट्स हैं इन इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स के जैसे कि मैं यहाँ पे कॉप ट्वेंटी एट और जी ट्वेंटी को भी कवर करने वाली हूँ तो आप आई एम श्योर कि आपके पास खुद के भी जी ट्वेंटी के नोट्स uh, होंगे तो इसको आप इसमें ऐड कर दीजिएगा वेर एवर यू हैव यू कैन जस्ट राइट इट इन दीपी टी और इन योर नोट्स जस्ट इट इन इट्स गोइंग टू बी ईजियर दी अदर ऑल्टरनेटिव जो हो सकता है अगर आप शॉर्ट नोट्स पे आ रहे हो तो मेक अ टेबल कैसे टेबल बनाना है मेक थ्री कॉलम्स अग्रीमेंट का नाम हुआ द सिग्नेटरीज एंड मेन पर्पज क्या है ठीक है तो अगर आपको टेबल फॉर्म पर रिवाइज करना है वो भी चलेगा और अगर आप यू वॉन्ट टू मेक इट इन प्रॉपर नोट्स क्योंकि आपने पहले भी ऐसे नोट्स बनाए हैं फील फ्री टू डू दैट ठीक है सो कंबाइन वट एवर एम गोइंट टू कवर राइट नाउ एज वेल एज योर नोट्स इट्स गोइंट टू बी कॉम्प्रिहेंसिव इनफ फॉर द प्रम्स ठीक है अगेन इट्स फॉर प्रिलिम्स ट्वेंटी ट्वेंटी फोर चलिए लेट स्टार्ट नाउ पहला आता है सलाम डिक्लेरेशन बेसिकली इन तंजानिया, ईस्ट अफ्रीका राइट ना में जो डिक्लेरेशन था इट वॉज बेसिकली टू एंड एड्स इन चिल्ड्रेन बाय 2030, थर्टी राइट जो इट्स एन बेसिकली पहली बार ऐसा ग्लोबल अलायंस टू एंड एड्स हुआ था एंड इसमें यूएन, एन दट इज डब्ल्यू ने बेसिकली इसको push kiya hai to have this declaration right and the major highlight of this declaration was to fight against aids among children and among uh, uh, women okay? but children were the target out here and 2030 tuk, that's what the plan is to end aids in children so dar es salaam declaration is what to fight against aids in children ye basically global alliance to end aids create kia gaya hai and it has been पुस्ट इन बाई द यू एन एजेंसी स्पेशली डब्ल्यू एच ओ ठीक है सो दिस इज अबाउट दरअसल कहाँ पे हैंजानिया में है तनजानिया इज ऑन ईस्टर्न अफ्रीका नो वी गोनू कम टू तंजानिया भी ईस्ट अफ्रीका में फिर से आएंगे एक और डिक्लेरेशन में दैट टाइम वील टॉक अबाउट हाउ इम्पॉर्टेंट इज ईस्ट अफ्रीका फॉर अस नेक्स्ट आएगा आपका ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो हजार चौबीस में इंडिया लीड कंट्री है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन न्यू दिल्ली डिक्लेन ना वॉट इज गोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट इज बेसिकली ट्वेंटी ट्राइंग टू क्रिएट अ फ्रेमवर्क फॉर गवर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठीक है एंड इंडिया क्या है लीड चेयर है ट्वेंटी ट्वेंटी फोर पे ये कंट्रीज़ का एक ही पर्पस है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि एक फ्रेमवर्क बनाया जाए फॉर गवर्नेंस उस फ्रेमवर्क में क्या क्या दे वांट टू फोकस ऑन वन इज़ रिस्पॉन्सिबल ए डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट कि ऐसा ना हो कि इलॉन मस्क जैसे न्यूरा लिंक बना रहा है उसका क्या साइड इफेक्ट होगा किसी को नहीं पता सो to be of course development but a sensible one there has to be rules and regulations for it and this is where द फ्रेमवर्क इज इम्पॉर्टेंट ठीक है तो ए आई डेवलपमेंट पर कोई रोक नहीं होने वाली है बट अस यू नो असस्टेनेबल रिस्क फ्री डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट एज वेल एज डिप्लॉयमेंट आज के दिन देखा जाए तो चार्ट जीपीटी से लेके जो गूगल का ज़मीनाई है इट इज बींग यूज फॉर गुड थिंग्स एज वेल एज फॉर नेगेटिव लॉट ऑफ इलीगल थिंग्स दिस इज वेय द रूल्स एंड रेगुलेशन आर इम्पॉर्टेंट ठीक है तो ए आई डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट पर बात हो रही है फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्स एंड इंक्लूसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज इक्विटेबल एक्सेस रहे टू ऑल पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड राइट इट इज़ नॉट जस्ट एशिया और यूरोप और अफ्रीका हर जगह पे हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सेस होना है तो दिस इज वेर दी फ्रेमवर्क इज बेसिकली फोकसिंग ऑन ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे और एक डिक्लेरेशन हुआ है वो है ब्लेचले डिक्लेरेशन अब ब्लेचले एक जगह है ब्लेचले पार्क इन लंडन जहाँ पे ये डिक्लरेशन

उसको किस तरीके से रोका जाए इज वेर इट इज़ बिकमिंग इंपॉर्टेंट सो ब्लेचले इज़ टॉकिंग अबाउट कैटास्ट्रोफिक हार्म को प्रिवेंट करना यहाँ पर और एक एग्जाम्पल हैज़ बीन पुट अक्रॉस दैट इज फ्रंटियर ए आई फ्रंटियर ए आई इज बेसिकली पुशिंग दी बाउंड्रीज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस पर यह बात हुआ है कि भाई दैट इज बाउंड टू हैपन इसको डेवलपमेंट होना भी चाहिए बट जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं जैसे कि जमिनाई uh, और uh, पहले उनका उसका नाम था बाढ़ uh, उसके बाद देर इज़ चैट जी पी टी नाउ दीज थिंग्स हैव टू बी गवर्न जैसे कि अभी हमने बात किया जी पे ए आई का उसी चीज़ पर ब्लचली भी आता है एंड देर टॉकिंग अबाउट गवर्निंग दीज एलिमेंट्स एंड हाउ टू

Full capabilities. So nobody's talking about stopping artificial intelligence. It is about, you know, developing and allowing private players to actually figure out newer and newer models of artificial intelligence. But there has to be governance, right? So Bletchley is a far more, uh, you know, it has the developed countries involved here and they're trying to figure out with the frontier AI. So, डिफरेंस बिटवीन जी पे ए आई एंड फ्रंटियर ब्लचली इज एक फ्रेमवर्क पर काम कर रहा है दूसरा हार्म इंटेंशनल या नॉन इंटेंशनल दोनों को रोकने के लिए काम कर रहा है टू सेपरेट इंटेंशंस बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है ठीक है सो दोनों डिक्लेरेशन आपको याद रखना है बिफोर वी मूव ऑन जस्ट अ ब्रीफ अबाउट द पी टू वाई विच इज़ अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ स्टडी आई क्यू एंड ज में मिलता है हिंदी इंग्लिश एंड इंग्लिस में एंड इस बार यू गु गेट इट विध एटीन बुक्स का सेट अगेन बेस्ट डिस्काउंट मिलता है डीसी लाइव सो इफ यू यूज द कोड डी सी लाइव यू गोट टू गेट इट एट ट्वेंटी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइनटी नाइन रुपीज बैथ स्टार्ट हो रहा है थर्टींथ एप्रिल को ठीक है तो लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट है अटलांटिक डिक्लेरेशन ये अटलांटिक डिक्लेरेशन साइन हुआ था पहला वाला बिटवीन यूएस एंड यूके आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अब जो नया साइन हुआ है बिटवीन दिस टू हैज बीन साइन ऑन द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी के रियालिटीज पे ठीक है सो वॉट इज द टेक्निकल नेम ऑफ इट अटलांटिक डिक्लेरेशन फॉर अ ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी यूएस यूके इकोनॉमिक पार्टनरशिप सो बेसिकली इट्स अ रिन्यूड अटलांटिक डिकलेन या अटलांटिक डिकलेन 2.0 बोल सकते हो आप ठीक है इसमें अगेन इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक पार्टनरशिप इट इज अबाउट टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट टू इच अदर कोऑपरेशन की बात की गई है बट सबसे इंपॉर्टेंट बात की गई है यूएस यू के डेटा ब्रिज को लेकर वॉट डज दिस मीन ये डेटा ब्रिज है क्या इट बेसिकली अलाउज यू के फॉर्म्स टू ट्रांसफर डेटा फ्रीली टू सर्टिफाइड यूएस ऑर्गेनाइजेशन विदाउट पेइंग अ लेवी और बेसिकली टैक्स तो अभी डेटा फ्लो विल बी ईजियर एंड विदाउट टैक्स तो दिस डेटा ब्रिज हैज बीन एडेड टू द अटलांटिक डिकलेन बट इट इज जस्ट नॉट इकोनॉमिक पार्टनरशिप अगर आप इसके की हाईलाइट देखते हो अफकोर्स देर इज इकोनॉमिक पार्टनरशिप दर इज टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप बट दर इज ऑल्सो वर्ल्ड सिक्योरिटी दैट हैज बीन यूज इन दटलांटिक डिकलेशन विच बेसिकली फोकस इज ऑन कि दोनों साथ में काम करने वाले हैं जब मैटर आता है इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड पीस के बारे में तो दैट इज द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी यूएस इकोनॉमिक पार्टनरशिप अटलांटिक डिक्लेरेशन टू पॉइंट जीरो ठीक है वी कम टू ओपन स्काई ट्रीटी नाउ ओपन स्काई ट्रीटी इज एन इंटरेस्टिंग वन अब ओपन स्काई ट्रीटी क्या है ये 1991 में फॉर्म होता है बट 2002 में इट कम्स टू फोर्स एंड बेसिकली क्या है इसमें मेंबर कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे को परमिट करते हैं कोटा के अकॉर्डिंग हर कंट्री का कोटा होता है कोटा के अकॉर्डिंग दैट देर कैन बी अनआर्म्ड एयरक्राफ्ट फॉर सर्वेलेंस अनआर्म्ड एयरक्राफ्ट अब इट विदेलेंस बी अ ड्रोन और एन एयरक्राफ्ट ये बेसिकली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है सी बी एम आता है इसका मतलब क्या है कि वी ट्रस्ट यू इनफ टू कम टू आर वेरेट्री एरियल टेरेट्री टू यू नो काइंड ऑफ टेक अ लुक एट वोम द एयर एंड दिस इज़ गोइंग टू प्रीवेंट एनी वॉर बिकॉज आप सस्पिश नहीं हो सस्पिश नहीं हो गए हमारे इंटेंशन के बारे में ना ओपन स्काई स्ट्रीटी जो है उसमें पहले यू एस भी मेम्बर था रशिया भी मेम्बर था और कई सारे कंट्रीज मेंबर थे बट यू एस अंडर डोनाल्ड ट्रम्प कहता है इनाफ जिनाफ़ हम निकल रहे हैं क्योंकि रशिया का इंटेंट हमें सही नहीं लग रहा है तो यू एस एक्चुअली विट्रॉस एंड लास्ट ईयर रशिया ने कहा कि भाई हमारा भी हो चुका है अगर यूएस विड्रॉ कर चुका है तो हमें भी विड्रॉ करना है एंड रशिया ओपन स्काई स्ट्रीट treaty अगर ये दोनों ही पार्टनर निकल चुके हैं तो अगेन ट्रस्ट डेफिसिट आ चुका है बिटवीन यूएस एंड रशिया एंड कहीं ना कहीं वो कैंप तो दिख ही रहा है एक तरफ यूएस है एक तरफ रशिया चाइना आ रहा है अब इंडिया क्या करने वाला है दैट इज नॉटी इंटरेस्टिंग राइट सो दिस इज ओ इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे

ठीक है सो दैट इज ओ एस एंड ओ एस टी इज ओपन स्काई स्ट्रीटी इज बेसिकली क्या है इट परमिट्स कंट्रीज टू फ्लाई अनआर्म्ड एयरक्राफ्ट विद कैमराज एंड ऑफेंस सेंसर्स ओवर द द टेरिटरी ऑफ ट्रीटी कंट्री ट्रीटीज आर द अम्बर स्टेट्स ठीक है मोर डिटेल्स के लिए आई हैव एक्चुअली गिवन वन लिंक वर्ल्ड लाइफ क्लब का है ये बेसिकली एक रशियन थिंक टैंक का है एंड इट हैज़ गॉट मोर डिटेल्स ऑफ दिस ओपन स्काई स्ट्रीटी कि किस तरीके से क्या ये ट्रीटी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने वाला है तो ऑल द डिटेल्स ऑफ दिस इज़ राइट यर इट्स ऑल यू नो बेसिकली एक चार्ट में बना हुआ है कौन मेम्बर स्टेट्स हैं और क्या इसका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेानिजम है एवरी थिंग सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन टेक अ लुक एट द इन्फोग्राफिक्स ओके वी मूव ऑन टू ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप आपने पहले स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तो सुना ही होगा इंडिया uh, का स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है रशिया के साथ यू नो इट इज़ विध यू एस ऑस्ट्रेलिया बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है बट ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पहली बार नॉर्वे के साथ हुआ है डेनमार्क के साथ हुआ है सॉरी अब इंडिया डेनमार्क का जो ये ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ये कोई नया नहीं है ये 2020 से बात चल रही है एंड हेट एज बीन गोइंग ऑन 2022 में भी फाइनलाइज हो चुका था बट लास्ट ईयर भी ग्रीन साडर्जिक पार्टनरशिप को लेके मेंशन किया गया था क्योंकि उस समय पे मेंशन ये था कि इस पार्टनरशिप का न्यू एरा स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे डेनमार्क इज गोइंग टू डिलीवर सस्टेनेबल सोल्यूशंस क्लाइमेट चेंज के लेके सस्टेनेबल सोल्यूशनस डिलीवर करने वाला है टू इंडिया सो ये जो न्यू एरा पे अगेन इट वॉज देयर कई सारे मीटिंग्स हुई थी एंड पूरे साल अगर आप देखोगे तो नॉर्डिक बाल्टिक एट एन बी एट का काफ़ी मेंशन रहा है राइट स्पेशली बिकॉज आर्कटिक मेल्ट कर रहा है आर्कटिक में रेस चल रही है आज के दिन पे चाइना रशिया आइस ब्रेकर से पोलार रूट खोलने की कोशिश कर रहा है सो so, एन बी एट की मीटिंग्स हुई हैं लास्ट ईयर इंडिया में कई बार स्पेशली रायसेना डायलॉग्स में भी इन एन बी एट के मिनिस्टर्स आए थे

इसी वजह से आई पुट इट अक्रॉस इन दी अग्रीमेंट इवन इट्स डेटेड बट ये मैंशन लास्ट टाइम लास्ट ईयर बहुत बार हुआ था वेन एवर एन बी एट वॉज मैंशनड उसके बाद आते हैं याउंडे कॉन्फ्रेंस अब याउंडे कहाँ पे है इट इज इन कैमरून ठीक है अब ये जो याउंडे कॉन्फ्रेंस था ये भी कोहोस्टेड बाई डब्ल्यू एच ओ था एंड दिस वॉज अबाउट मलेरिया से जो डेथ्स होती हैं उनको एंड करना सो इट वॉज बेसिकली टू टेक एक्शन टू एंड डेथ्स रिलेटेड और फ्रॉम द मलेरिया डिजीज तो कई सारे सिग्नेटरी कंट्रीज है बुर्किना फासो कैमरून डीआरसी घाना माली एंड सो ऑन सो फोर्थ नाउ दिस इज़ वेयर यू शुड नो कि कौन क्या मेंबर्स हैं एंड याउंडे कॉन्फ्रेंस क्या है इट इज़ टू एंड डेथ्स फ्रॉम द मलेरिया डिजीज दार क्या है टू एंड एड्स न बाई ट्वेंटी थर्टी ठीक है सो so, ये दोनों ही कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट है दिस वॉज रिलेटेड टू पर्टिकुलर डिजीज रिलेटेड इशूज इन अफ्रीका उसके बाद आते हैं वॉशिंगटन डिक्लेरेशन ये डिक्लेरेशन वॉज बिटवीन यूएस एंड साउथ को, साउथ कोरिया इंटरेस्टिंग सा डिक्लेरेशन था जहाँ पे साउथ कोरिया ने ये माना कि हमें न्यूक्लियर वेपन्स नहीं चाहिए इंटरेस्टिंग बात है हमें यू न्यूक्लियर वेपन्स नहीं चाहिए क्योंकि हम यूएस के न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंडर आएंगे ये न्यूक्लियर अम्ब्रेला का कंसेप्ट क्या है बेसिकली यूएस ये कहता है कि आपको न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाना है आपको अगर न्यूक्लियर बनना है तो यूज इट फॉर पीसफुल पर्पज लाइक क्रिएटिंग एनर्जी राइट बट वेपन्स बनाने की जरूरत नहीं है यू कम अंडर द आई एंड इन रिटर्न अगर आपको कोई अटैक करता है एज एन अलायंस मेंबर वी विल प्रोटेक्ट यू एंड फाइट अगेंस्ट योर एनिमी साउथ कोरिया का एनिमी कौन नॉर्थ कोरिया डू यू थिंक नॉर्थ कोरिया इज अ रैशनल कंट्री उसको क्या डर है कि भाई मैंने अगर साउथ कोरिया को बॉम कर दिया यूएस उसके बाद रिटालिएट करेगा ना सो समवेयर आई फाइंड दैट यू नो इट्स नॉट गोइंग टू बी प्लेइंग आउट एज़ पर व्हाट साउथ कोरिया इज थिंकिंग एस्पेशली क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ के लिए नहीं होते डिटेरेंस के लिए होते हैं मतलब किसी को ये डराना कि भाई आगे मत आना हमारे पास बहुत बड़ा वेपन है डंडा है जो भी आपको थ्रेट परसेप्शन आपने क्रिएट करके रखा है तो नॉर्थ कोरिया को अगर आप डरा नहीं सकते हो ये कह रहे हो कि भाई अगर आपने अटैक किया तो यू अटैक करेगा नॉर्थ कोरिया इस नॉट अ रैशनल प्लेय तो इसी वजह से इट बिकम्स इंटरेस्टिंग दैट यू एस एंड साउथ कोरिया है साइन द वॉशिंगटन डिक्लेरेशन एंड उस डिक्लेरेशन का जो की फीचर है वो है यू एस न्यूक्लियर बेलिस्टिक सबमरीन डिप्लॉय होगा कोरियन पेनंसुला में टू प्रोटेक्ट साउथ कोरिया साउथ कोरिया वुड रिसीव इंटेलिजेंस फ्रॉम यू एस रिगार्डिंग न्यूक्लियर एडवांस फ्राम यू एस रिगार्डिंग न्यूक्लियर एडवांसमेंट एंड दे बोथ रियफॉर्म एन पी टी जहाँ पे साउथ कोरिया ने कहा है कि हम इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज या वेपन्स नहीं बनाने वाले हैं तो बेसिकली डिपेंडिंग कम्पलीटली ऑन यू एस सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डिक्लेरेशन उसके बाद आते हैं मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी इज बेसिकली अ ग्लोबल ट्रीटी एंड ये बेसिकली इट वर्क टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड द इन्वायरमेंट फ्राम द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ मर्क्यूरी ठीक है अब ये माना जाता है कि मर्क्यूरी इज डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड हमारे फूड से लेके वट प्रोडक्ट्स बी यूज वहाँ पर ट्रेसिज ऑफ मर्क्यूरी रहता ही है एंड दिस इज़ वेयर मीनामाटा कन्वेंशन वर्क से नाउ फिफ्थ सेशन ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी इन जेनीवा में ट्वेंटी थर्टीन में मीनामाटा कन्वेंशन को लेकर फाइनलाइज हुआ था और ये राटिफाई किया जाता है दो हज़ार अठारह में इंपॉर्टेंट क्या है मिनामाटा कहाँ का जगह है इट इज़ अ प्लेस इन जापान वेर मेनी पीपल सफर्ड फ्रॉम मर्क्यूरी पॉइसनिंग ठीक है इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लास्ट ईयर मिनामाटा कन्वेंशन का कॉप फाइव हुआ था सी ओ पी फाइव हुआ था जिस पे बात हुआ है अबाउट कंप्लीटली रिड्यूसिंग मर्क्यूरी प्रेजेंस इन मेकअप कंप्लीटली मेकअप में जो मर्क्यूरी रहता है ट्रेसेज ऑफ मर्क्यूरी रहता है उसको कंप्लीटली हटाना है तो उस पर बात हुआ था कॉप फाइव ऑफ द मिनामाटा कन्वेंशन पे ठीक है एंड वन ऑफ द की ऑब्लीगेशन ऑफ द कन्वेंशन क्या है कंट्रोलिंग द एंथ्रोपोजेनिक रिलीज ऑफ मर्क्यूरी ये एंथ्रोपोजेनिक मतलब क्या है ह्यूमन यूज से जो रिलीज ऑफ मर्क्यूरी होगा उसी वजह से इसको उसको कंट्रोल करना है ठीक है सो दैट इज वन ऑफ द की ऑब्लीगेशन ऑफ द कन्वेंशन ओके लेट्स मूव ऑन मो वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट ये मीना माटा कन्वेंशन कम्स अंडर यूनिप यू एन इन्वायरमेंट प्रोग्राम क्योंकि अगेन इफ यू टेक अ लुक एट द प्रम्स बहुत बार आता है कि मीनामाटा ऐसे कन्वेंशन का नाम दे के बोल देते हैं कि कौन से यू एन के प्रोग्राम में आता है या कौन से एजेंसी के अंडर आता है सो दिस कम्स अंडर द यू एन इन्वायरमेंट प्रोग्राम मिनामाटा यूनिप ठीक है ओके मूविंग ऑन वी कम टू द हाई सी ट्रिटी ना दिस वॉज अ मेजर ट्रीटी क्योंकि ये थर्ड ट्रीटी है अंडर यू एन सी एल ओ एस यू एन सी एल ओ एस इज़ वॉट यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ सी अब पहला जो ट्रीटी था वो 1994 का सी बेड अथॉरिटी पे एक ट्रीटी था इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी पे बेसिकली इलीगल माइनिंग ऑफ द सी बेड पर रोक दिया गया था तीसरा जो ट्रीटी था वो 1995 का ट्रीटी जो था 1995 का ट्रीटी था वो फिश टॉक्स अग्रीमेंट पे था जहां पे अनरेगुलेटेड इलीगल फिशिंग पे रोक दिया गया था ठीक है अब जो तीसरा ट्रीटी है वो है हाई सी ट्रीटी ये हाई सी ट्रीटी पे लास्ट ईयर ऑफ यू यूएन बेसिकली अग्रीड अपॉन इट साइन किया है अभी तक रेटिफाई नहीं हुआ है ठीक है सो दे है ये

ठीक है इसी वजह से देर हैज टू बी अ रूल और अ ट्रीटी विच टेक्स केयर ऑफ देम जहां पे हर मेंबर स्टेट का इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाला है तो हाई सीज का डेफिनेशन तो जीनीवा कन्वेंशन पे आ गया था बट फाइनली इस हाई सीज ट्रीटी के अंडर पे उसको प्रोटेक्शन भी दिया जा रहा है अगेन आई एम रिपीटिंग साइन हो चुका है पर रेडिफाई नहीं हुआ है राइट सो इट वॉज अग्रीड ड्यूरिंग द टॉक्स लेड बाय दू एन ड्यूरिंग द इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन मेरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल जोरिस्डिक्शन इन न्यूयॉर्क अगेन फैक्ट्स आपको याद रखना है हाई सीज का डेफिनेशन याद रखना है एंड यू नीड टू नो कि अभी तक सभी ने साइन किया है राटिफाई नहीं हुआ है ये ट्रीटी अभी तक ठीक है सो दिस इज हाई सीज ट्रीटी मूविंग ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी अग्रीमेंट ये माइग्रेशन एंड मोबिलिटी अग्रीमेंट इंडिया ने लास्ट ईयर तीन कंट्रीज़ के साथ साइन किया है एक है इटली ताइवान एंड ऑस्ट्रेलिया बट ऑस्ट्रेलिया वाला इट इज़ नॉट एक्जैक्टली माइग्रेशन एंड मोबिलिटी अग्रीमेंट इट वॉज पार्ट ऑफ द ट्रेड टी दैट वॉज साइन इन जो टेक्निकली माइग्रेशन एंड मोबिलिटी अग्रीमेंट होता है वो एक्चुअली दो ही कंट्रीज़ हैं इटली और ताइवान के साथ साइन किया है इटली वाला काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि इट कवर्ड अ वास्ट वराइटी ऑफ वर्कर्स सीजनल एज वेल एज नॉन सीजनल वर्कर्स को प्रोटेक्शन दिया गया है एंड जस्ट रीडिंग इट आउट इंडियन स्टूडेंट्स आफ्टर कंप्लीटिंग एकेडमिक वोकेशनल ट्रेनिंग इन इटली में बी ग्रांटेड टेंपरेरी रेसिडेंस फॉर अप टू ट्वेल्व मंथ्स For workers, the Italian side has reserved a quota for non-seasonal and seasonal Indian workers for 2023, 2024, and 2025 under the current flows decree. The agreement will remain in force for five years. Okay? So this is the migration and mobility agreement that India has signed with Italy. Taiwan is similar, hai, but Taiwan actually wanted to diversify its workforce from the ASEAN countries. So that's why it has signed it with India. But जब अग्रीमेंट साइन हुआ इमीडिएटली ताइवान से का एक मिनिस्टर ने एक रेसिस्ट कमेंट पास कर दिया था जिसके वजह से अगेन ताइवान वाला मोबिलिटी अग्रीमेंट भी थोड़ा बज में था इंडिया ने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया उसके बाद द मिनिस्टर एक्चुअली हैड टू टेक बैक द रेसिस्ट कमेंट बट दीज टू कंट्रीज के साथ टेक्निकली माइग्रेशन एंड मोबिलिटी अग्रीमेंट हैव बीन साइंड ओके मूविंग ऑन अंडर माइग्रेशन इट सेल्फ प्रोजेक्ट प्रयास वॉज ऑल्सो साइंड ना वॉट इज प्रोजेक्ट प्रयास इट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ठीक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तो प्रयास का फुल फॉर्म क्या है प्रोमोटिंग रेगुलर असिस्टेड माइग्रेशन फॉर यूथ एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स इसे प्रयास कहा जाता है ऑब्जेक्टिव क्या है To facilitate safe, orderly, and regular migration for aspiring Indian migrant workers and in students in collaboration with MEA, Niti Aayog, and state governments. Project will promote dissemination of communication materials on safe and orderly migration pathways. Basically, donkey jesse cheese na ho. प्रॉपर माइग्रेशन हो राइट पीपल शुड नॉट बी टेकन फॉर राइट अभी भी हुआ है रशिया में नौकरी करने गए थे वॉरफ्रंट पर भेज दिया है तो इसी वजह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन एंडल अफेयर के अंडर पर यह प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है विच इज द प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट प्रयास फुल फॉर्म आपको याद रखना है ओके मूविंग ऑन इंडिया ओमान ने विजन डॉक्यूमेंट साइन किया है यह विजन डॉक्यूमेंट का title क्या है अब पार्टनरशिप फॉर द फ्यूचर विजन डॉक्यूमेंट का नाम याद रखना इतना जरूरी नहीं है बट वॉट इज मोर इंपॉर्टेंट इज ओमान का विजन ट्वेंटी फोर्टी नीचे कमेंट में लिखिए विजन ट्वेंटी थर्टी किस का किस कंट्री का जिसीसी कंट्री का आ, विजन है राइट उसके अंडर पे और एक क्लू दे देती हूं मैं उसके अंडर पे एक सिटी बन रहा है न्योम बोल के एनी ओ -E एम राइट सो so, जी कंट्रीज़ में मोस्ट ऑफ़ द कंट्रीज़ आर हैविंग दीज विजन्स राइट विजन 2030 विजन 2040 यूएई uh, यू का भी अभी uh, विजन आ चुका है तो कई सारे जी कंट्रीज़ के ये विजन मॉडल्स आ रहे हैं बेसिकली ये क्यों आ रहे हैं क्योंकि दे आर मूविंग फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल टू रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज राइट अभी नॉन ऑयल इकोनोमी में जा रहे हैं जिसके वजह से दे आर फोकसिंग ऑन बिल्डिंग बायोलैटल रिलेशन्स ताकि इनका ये जो ट्रांजिशन होगा वो डाइवर्सीफाई किया जाए बेसिकली देखा जाए तो इंडिया ओमान में आ, पहले काफ़ी ऑयल डोमिनेटेड रिलेशन था उसके बाद दे वॉज डोमिनेशन स्ट्रैटेजिक एलिमेंट क्योंकि ओमान ने डुकुम पोर्ट जो है डी यू क्यू एम पोर्ट इंडिया को यूज़ करने के लिए दिया था अभी भी दिया है तो एलिमेंट भी आ जाता है बट उससे अलावा उसके अलावा डाइवर्सीफाई नहीं हो पा रहा था रिलेशन अब क्या हुआ है दैट दिस विजन डॉक्यूमेंट हैज सेट कि अलग अलग सेक्टर्स पे डाइवर्सिफाई किया जाएगा एंड दिस विल बी इन लाइन विद ओमान विजन 2040 एंड इंडियाज अमृत क्या क्या है इस पे क्या? पिलर्स पे फोकस किया जाएगा डिजिटल कनेक्टिविटी मेडिकल टूरिज्म मेरी टाइम सिक्योरिटी हॉस्पिटैलिटी एंड सो ऑन सो फोर्थ तो इन सब चीजों को अलग अलग डाइवर्सिफाइड पिलर्स को इंक्लूड किया गया है इस विजन डॉक्यूमेंट में ठीक है आगे बढ़ते हैं अब केनिया का भी विज़िट हुआ था स्टेट विज़िट था अब विज़िट में क्या हुआ था इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट क्योंकि कोई भी विजिट होगा तो कोई ना कोई एम और जॉइंट विजन डॉक्यूमेंट तो साइन होगा ही बट वॉट इज़ इम्पॉटेंट इज़ द ईस्ट अफ्रीका कम्युनिटी ठीक है सो so अभी हमने तनज़ानिया सलाम पे बात किया था किया था कि तंज़ानिया में ये हुआ था देन लास्ट ईयर आई का भी एक कैंपस खुला है तंजानिया में तो east africa community kahi kahi was in the news kya hai east africa community it is basically drc that's democratic republic of congo burundi kenya rwanda south sudan uganda and tanzania inke saath india ka strong relation hai right we have had a very strong uh, relation with them uh, jab pm modi had actually given the 10 guiding principles ऑफ़ इंडिया अफ्रीका रिलेशन वो युगांडन पार्लियामेंट में ही था दो हज़ार अट्ठारह में तो अगर आप पी एस आई आर के स्टूडेंट हों यूर मस्ट है टेन गाइडिंग प्रिंसिपल्स वो युगांडा पार्लियामेंट में ही दिया गया था सो ईस्ट अफ्रीका कम्यूनिटी के साथ इंडिया हैज़ अ वेरी स्ट्रोंग रिलेशन एंड प्रेसिडेंट ऑफ कैनिया के विजिट में भी वो जॉइंट विजन डॉक्यूमेंट पे बात किया गया है राइट एंड दिस इज़ वाई आई वॉन्टेड टू मैंशन ईस्ट ई ए सी है क्या एग्जैक्टली exactly. ओके okay. मूविंग ऑन अब्राहम अकॉर्ड्स अब्राहम अकॉर्ड्स के तीन साल कंप्लीट हो गए ये अकॉर्ड न्यूज़ में था फॉर ऑल रॉन्ग रीजन्स जब से इसराइल हमास के बीच में वॉर शुरू हो जाता है तो अरब कंट्रीज़ पे ये काफ़ी फोकस होता है कि भाई क्या करने वाले हैं अब्राहम अकॉर्ड्स का तो वॉट इज़ अब्राहम अकॉर्ड्स बेसिकली यूएस ने मीडिएट किया था अ पीस ट्रीटी बिटवीन द अरब कंट्रीज ऑफ यू ए बहरेन एंड इसराइल ये थर्ड पीस अकॉर्ड है क्योंकि पहला जो पीस अकॉर्ड था वो इसराइल इजिप्ट था इसराइल जॉर्डन था पहला दो उसके बाद ये तीसरा पीस अकॉर्ड है बिटवीन इसराइल एंड अरब कंट्रीज जिसे अब्राहम अकॉर्ड्स कहा जाता है ठीक है वंस इट साइंड सेवरल अदर कंट्रीज लाइक मोरक्को सूदान दे ऑल काइंड ऑफ एक्सेप्ट दी अब्राहम अकॉर्ड एज वेल बट जब ये वॉर शुरू होता है तो काफ़ी प्रेशर होता है इन अरब कंट्रीज़ पे कि ये क्या करने वाले हैं विल दे अबैंडन दम अब्राहम अकॉर्ड्स एंड एवरीथिंग एंड नन ऑफ देम डिड बट बहरेन ने अपना एम्बेसडर बुला लिया और एम्बेसी बंद कर दिया था तो बहरेन ने ये किया है बट इट डिड नॉट ऑफिशियली अबैंडन अब्राहम अकॉर्ड्स इसी वजह से अब्राहम अकॉर्ड इज स्टिल सिग्निफिकेंट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ट्रीटीज इन द रीजन वाई एम आई सिंग पीस ट्रीटीज़ बिकॉज अब्राहम अकॉर्ड्स अगर साइन नहीं होता तो आई टू यू टू नहीं आता दैट इज इंडिया इसराइल यू एंड यू एस यू एंड इसराइल इसी वजह से आए क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड साइन हो चुका था आई टू यू टू नहीं आता और आई टू यू टू नहीं आता तो आई मेक नहीं आता राइट आई मैक क्यू नहीं आता बिकॉज यू हैल्सो अंडरस्टैंड आई मैक का जो पाथ है वो इंडिया यू ए सऊदी अरेबिया जराइल ग्रीस जाता है राइट सो द दिस होल रोड और द कनेक्टिविटी कॉरिडोर दैट्स बीइंग मेड इज लार्जली बिकॉज ऑफ अब्राहम अकॉर्ड्स राइट सो अब्राहम अकॉर्ड इसी वजह से काफी न्यूज में था चाहे वो जी में जब आई मैक अनाउंस किया गया था या जब इसराइल हमास पे वॉर इसराइल हमास का वॉर चल रहा था सो अब्राहम अकॉर्ड यू शुड नो कि कौन सा कौन से कंट्रीज हैं अब्राहम अकॉर्ड में ओके लेट्स मूव ऑन द स्पिरिट ऑफ कैम डेविड आपने बहुत जगह सुना होगा क्यों बिकॉज कैम्प डेविड एक बेसिकली इट्स दी अ रिज़ॉर्ट काइंड ऑफ अ थिंग फॉर द यूएस प्रेसिडेंट वो अपना छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं वहाँ पे अब जब वो छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं तो मेक इटा मेक इट अ वर्किंग हॉलिडे तो बहुत सारे समिट्स चाहे वो इसराइल और इजिप्ट का पीस ट्रीटी हो चाहे वो यू नो कैम डेविड समिट ऑफ अभी जो कैम डेविड समिट हुए एक बार तो जी एट का समिट भी कैम डेविड में हुआ था जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट था तो कई सारे समिट्स और मीटिंग्स होती रहती हैं कैम डेविड में लास्ट ईयर हुआ था स्पिरिट ऑफ कैम डेविड जहां पे यूएस जापान और साउथ कोरिया तीन आए थे वेर इन अ ज्वाइंट स्टेटमेंट वाज रिलीज्ड। द स्पिरिट ऑफ कैम्प डेविड ठीक है कौन से कंट्रीज थे यू एस जापैन और साउथ कोरिया एंड इट वॉज बेसिकली टू शो यूनिटी अगेंस्ट चाइनाज़ इंक्रीजिंग पावर एंड उन्होंने ये कहा है कि भाई वी अगौ टू कंसल्ट प्रोपली विथ ईच अदर एनुअल मल्टी डोमेन ट्राई लेट्रल एक्सरसाइज करने वाले हैं दैन दे अगोट टू गो फॉर अ रिजिलियंट एंड इंक्लूसिव सप्लाई चेन इन्हांसमेंट करने वाले हैं एंड ट्राई लेटरल समिट्स एनुअली होगा इनका इन तीनों कंट्रीज़ का सो so बेसिकली फिर से एक मिनी लैटरल आ रहा है एक ट्राई लैटरल बना लिया जैसे क्वाड है आई टू यू टू है ऑकस है एक नया आ चुका है यूएस साउथ कोरिया और जापान का एंड नाउ दे हैव समिट्स एनुअली एंड अगेन दिस इज ऑल अगेंस्ट चाइना ठीक है तो दिस इज स्पिरिट ऑफ कैम डेविड ओके नेक्स्ट आते हैं यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव पे यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव भी अगेन इट्स अ वेरी रीसेंट फेनोमेना 2022 में जर्मनी स्टार्ट करता है ये क्यों uh, स्टार्ट करता है क्योंकि रशिया यू नो काइंड ऑफ स्टार्ट ऑफ वॉर विथ यूक्रेन एंड जब रशिया का ये वॉर शुरू होता है जर्मनी को डर लग जाता है एंड जर्मनी गोला रशिया को हराना इतना आसान नहीं होने वाला है वी के नॉट कॉन्स्टेंटली डिपेंड ऑन यू एंड नेटो बल्कि यूरोपियन यूनियन में वी शुड हैव आवर ओन डिफेंस सिस्टम अब इतने साल से क्या हुआ था कि यूरोपियन यूनियन का खुद का डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था दे वर नॉट फोकस्ड ऑन द सिक्योरिटी एस्पेक्ट मोस्ट कंट्रीज हैड अ बजट फॉर डिफेंस बट दे प्रेफर टू गो विद द नेटो

थ्रू यूरोपियन नेशंस कॉमन अक्विजिशन ऑफ एयर डिफेंस इक्विपमेंट ठीक है ये कहीं पर यूरोपियन यूनियन नहीं लिखा हुआ है इट इज बेसिकली एनी मेम्बर स्टेट ऑफ यूरोप जिनको भी इस ई एस एस आई का पार्ट बनना है देर गु कम टूगेदर कम्बाइन बाई एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम एंड दैट इज गोइंग टू बी यूज कहीं पर रशिया के uh, नाम नहीं लिया है बट दू नो दंडरलाइनिंग थ्रेट इज रशिया फॉर दैम दे आर नॉट स्केयर ऑफ यू एस यूएस तो नेटो का मेंबर है ऑब्वियस बात है दे आर ऑल हैप्पी विथ यू एस थ्रेड का इज़ कमिंग फ्रॉम रशिया तो ई का जो मेन टारगेट है वो भी रशिया ही है तो जर्मनी का ये इनिशिएटिव है एंड नाउ एज ए सेट द नंबर्स हैव बीन इंक्रीजिंग ग्रीस एंड टर्की हैव आल्सो आर आल्सो प्लानिंग टू जॉइन इन 2024 राइट उसके बाद वी आर गोट टॉक अबाउट कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप नाउ सी पी टी पी पी इसमें यूके ज्वाइन करता है ये क्या सक्सेसर है किस का सक्सेसर है ये बेसिकली सक्सेसर है ऑफ द कौन सा विच विच पार्टनरशिप का ये ट्रांस uh, सक्सेसर uh, है ट्रांस पैसेफिक पार्टनरशिप टीपीपी का ये सक्सेसर है पहले क्या था यूएस एस वॉज पार्ट ऑफ द ट्रांस पैसेफिक पार्टनरशिप उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आता है पहला जो साइन करता है वो ये करता है कि हम टीपीपी से निकल रहे हैं क्यों क्योंकि यू नो जॉब्स एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स आर ऑल गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द टी सो वट इट डज इज इट गेट्स आउट ऑफ दिस ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप अब जब यूके निकल जाता है जो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ हैं वो बोलते हैं कि वही टीपीपी को रीनेम करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एंड दीज एलेवन कंट्रीज कम टूगेदर यूके हैज लास्ट ईयर जॉइंड दिस एंड नाउ इज़ द ट्वेल्थ कंट्री ठीक है कौन से कंट्रीज़ uh, हैं इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में बेसिकली ऑस्ट्रेलिया ब्रुनई कैनेडा चिली जापान मलेशिया मेक्सिको न्यूजीलैंड

वॉज पार्ट ऑफ अ ज्वाइंट स्टेटमेंट अब कुछ कुछ चीजें आई एम वु टू पिकअप फ्रॉम दी ज्वाइंट स्टेटमेंट क्या ज्वाइंट स्टेटमेंट था सबसे पहले तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी का मोदी जी का विजिट था टू यूएस उस विजिट के दौर, दौरान दौरान वेर सेवरल हाईलाइट फॉर एग्जाम्पल ही हैड गॉन टू दी यू एन हेड क्वार्टर्स फॉर द इंटरनेशनल योगा डे ही हैड यू नो मेट द इंडियन डायस्पोरा तो कई सारे थे उसमें से एक जॉइंट स्टेटमेंट भी रिलीज हुई थी उस जॉइंट स्टेटमेंट में कई सारे अकॉर्ड्स का मेंशन किया हुआ था बिकॉज दिस अकॉर्ड्स हैड टेकन टेकन प्लेस सेपरेटली एंड वॉज डिक्लेयर्ड एज पार्ट ऑफ द जॉइंट स्टेटमेंट तो वन ऑफ देम वॉज द आर्टमिस अकॉर्ड

तो इंडिया हैज साइन द आर्टिमिस मिस अकॉर्ड इट्स द ट्वेंटी सेवंथ मेम्बर ऑफ इट एंड वी अग्री दैट गोइंग टू बी सिविल एक्सप्लोरेशन फॉर पीसफुल पर्पजेज ये अग्रीमेंट क्यों इंडिया के लिए सिग्निफिकेंट है सबसे पहले तो गगनयान मिशन वी ऑलरेडी नो कि गगनयान के जो एस्ट्रोनॉथ्स हैं वो रशिया में ट्रेन हो रहे हैं बाई द रशियन स्पेस एजेंसी रॉस्कॉस्मॉस बट देर इज गॉइन्ट टू बी अ सब्सटैंशियल ट्रेनिंग बाय नासा एज वेल सेकेंड थिंग इज नासा ऑल्सो वॉन्ट्स along with uh, you know uh, ISRO that Indian astronauts should be going to ISS as well and Wahape. रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स में कोलेबोरेशन करने के लिए राइट एंड द नेक्स्ट थिंग इज गेट वे ना गेट वे इज़ अ लूनार ऑर्बिटल स्टेशन जो बनाने की कोशिश कर रहा है नासा जहाँ पे आर्टमिस एस्ट्रोनॉट्स जो हैं जो भी आर्टमिस अकॉर्ड्स के सिग्नेटरीज हैं वहाँ से आर्टमिस एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे इस लूनार ऑर्बिटल स्टेशन पर तो इंडिया एक्चुअली वॉन्ट्स टू बी वन ऑफ देम एंड दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट है हमारे लिए टू साइन द आर्टमिस अकॉर्ड तो Entry to the Gateway, entry to ISS, that is the International Space Station, and push for the Gaganyaan mission. These are the significance for the Artemis Accord. Okay. उसके अलावा, जैसे कि मैंने कहा कि उस statement में ये तो था ही, उसके अलावा defence agreement पे भी बात हुई है. अब defence agreement के तीन major points I am going to mention. सबसे पहले तो था कि India और US ने agree किया, to basically co-produce the GE F414 jet engine. जो जीई और हेल हिंदुस्तान एरोनाटिकल्स लिमिटेड को प्रोड्यूस करने वाला है एंड दिस केम अंडर द आई सेट दैट इज इमर्जिंग एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पे जो शेयरिंग होने वाली है जो आई सेट साइन किया था जनवरी 2024 में उसी के अंडर पे ये अग्रीमेंट आता है दैट दे आर गोइंग टू को प्रोड्यूस दिस जेट इंजन ठीक है दूसरा आता है कि इंडिया हैज अग्रीड टू प्रोक्योर द ड्रोन सिस्टम विच इज़ बेसिकली एम क्यू नाइन बी ड्रोन्स एम क्यू नाइन बी ड्रोन्स एम क्यू ड्रोन्स का ऑलरेडी लास्ट ईयर एक बार मेन्शन आया था कब मैंशन आया था प्लेसिज इन न्यूज़ में मैंने आपको बताया था कि कोई आइलैंड है बे ऑफ़ बंगाल में जहाँ पर इंडिया के एम क्यू ड्रोन्स ने सर्वेलेंस किया था क्योंकि खबर था कि चाइना वहाँ पर कुछ बना रहा है राइट गो बैक टू प्लेस इन न्यूज एंड चेक दैट तो एम क्यू ड्रोन्स का काफ़ी मैंशन था एंड वी हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर एम क्यू नाइन बी ड्रोन्स फ्रॉम यू एस The next thing that we talked about, uh, that it was talked about was the US India Defence Acceleration Ecosystem or INDUS-X, which was launched uh, INDUS-X, if you take a look at it, it has basically two partners, ek hamara uh, Ministry of Defence and the Department of Defence of US, dono partners hai, and it will facilitate joint technology innovation. टेक्नोलॉजीज कौन से पार्टनर्स हैं डी ओडी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड एमओी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडियन साइड सो दिस इज अबाउट इंडस एक्स देन यू हैव दू नाइन बी ड्रोन एंड देन यू हैव देट इंजन को को प्रोडक्शन तो दीज थ्री थिंग्स हैव बीन टॉक्ट अबाउट एज पार्ट ऑफ द डिफेंस अग्रीमेंट आगे बढ़ते हैं

उसके बाद आते हैं बेलम डिक्लेरेशन नाउ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बेलम डिक्लेरेशन बेसिकली एट एमेजोनियन कंट्रीज जो हैं हु हैव बेसिकली फॉर्म्ड द एमेजन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ए सी टी ओ एमेजन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने ये बेलम डिक्लेरेशन साइन किया है द डॉक्यूमेंट बेसिकली हैज़ विच कंट्रीज इन इट ब्राज़ील बोलीविया कोलंबिया इक्वेडर गुआना पेरू सुरीना एंड वेनेजुला ये सारे जो एमेजोनियन कंट्रीज हैं उनका ये अमेजन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है वू हैव साइंड द बेलम डिक्लेरेशन ना इट हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ टॉपिक्स डेट दे हैव कवर्ड आई एम नॉट गोन गो ओवर इट इट इज लार्जली इंटरेस्टिंग जो बात है यहाँ पे याद रखने के लिए कोलंबिया ने बेसिकली ऑप्शन दिया था कि 80 परसेंट ऑफ़ द एमेजन रेन फॉरेस्ट को प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर देना चाहिए जिसके वजह जिसको लेके थोड़ा रेजिस्टेंस आया एंड दे सेड नहीं 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 इतना स्ट्रॉन्ग वर्डेड तो करना ही नहीं होता है डिक्लेरेशन वेग वर्ड्स में रखा जाता है ताकि कंट्रीज लूप निकाल के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉर्ट किया कर सके राइट right? तो इसी वजह से कई सारी चीजों पे बात की गई है क्लाइमेट चैलेंज फूड एंड सोशल प्रोटेक्शन एंड एवरीथिंग बहुत सारा पिलर्स बट एक्चुअल स्टेप जो लेना था कि अमेज़न फॉरेस्ट uh, को प्रोटेक्ट करना था उस पर सिर्फ डिस्कशन ही हुआ है बट तभी भी बेलम डिक्लेरेशन जो अगस्त 2023 में था हुआ है इट इज स्टिल इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज ऑल ऑफ दिस स्टेप ऑन पेपर इज टू फाइट डिफॉरिस्टेशन ऑफ दिन फॉरेस्ट ठीक है जो लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है एरिया है डिफॉरेस्टेशन को फाइट करने के लिए ही बेलम डिक्लेरेशन साइन किया गया है ऑन पेपर हाँ चलिए आगे आते हैं बायोटल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड यू एलरेडी नो काफी बज में था इंडिया यू ए ई रिलेशन के समय पर वॉट इज द बाइलेटल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी इट इज़ बेसिकली टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट्स इन बोथ दी कंट्रीज इट विल ऑफर प्रॉपर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स थ्रू आर्बिट्रेशन ठीक है क्या डिस्प्यूट बेसिकली इन्वेस्टर्स स्टेट डिस्प्यूट जो होता है उसको आर्बिट्रेशन से सॉल्व किया जाएगा एंड डोमेस्टिक मैनुफैक्चरिंग एंड रिड्यूसिंग ऑफ इम्पोर्ट डिपेंडेंस इस पर फोकस किया जाएगा सो दिस इज वेर Bilateral investment treaty of India UAE is becomes important. Is pehle that is last to last year, sepa sign hua tha between India and UAE. So there's already a trade deal up investment deal with between India and UAE. Okay, next we come to C plus C5 summit. What is this? It is China plus C5, is the Central Asian countries. Conce Central Asian countries: Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, and तो पांचों कंट्रीज के साथ चाइना ने एक समिट किया था जहां पर रिलेशन देख रोड प्रोग्राम कल्चरलोग्राम वेर इन दुड बी ऑन सॉफ्ट पावर ऑफ चाइना राइट इंडिया का भी ऐसा समिट है इंडिया एंड सेंट्रल एशिया समिट जो दो हजार बाईस में हुआ था नेक्स्ट समिट दो में शेड्यूल्ड है बट अभी तक पता नहीं कब होने वाला है सो वी ऑल्सो हैव दिस ही कहेंगे इसको कि इंडिया एंड द सेंट्रल एशियन रीजन जो कंट्रीज है सी फाइव कंट्रीज है उनके साथ हमारा भी है चाइना का भी सी प्लस सी फाइव सबमिट हो चुका है ठीक है जियान डिक्लेरेशन इज पार्ट ऑफ दैट ओके नेक्स्ट वी कम टू एस सी ओ दैट इज द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका वर्चुअल समिट हुआ था न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन था इसका एंड जो थीम था इट वाज़ बेसिकली सिक्योर एस सिक्योरिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कनेक्टिविटी यूनिटी रेस्पेक्ट फॉर सॉवेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड एन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ये जो सिक्योर एस है ये पी मोदी ने ट्वेंटी के जो समिट में ये ऑलरेडी उन्होंने क्वॉइन किया हुआ था बट इस बार के इंडिया का जो प्रेसिडेंसी था एस का उस समय पे इट वॉज गिवन द थीम टू वर्ड्स अ सिक्योर एस सी ओ सो इट वॉज हेल्ड वर्चुअली बिकॉज रशियन प्रेसिडेंट प्यूटिन इज और हैज एन अरेस्ट वॉरेंट बाई द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ कौन सा आई के अरेस्ट uh, वॉरेंट है इसीलिए वो आ नहीं पाए वॉट वी हाईलाइट ऑफ द एस सी ओ समिट दिस ईयर In the New Delhi Declaration, basically Iran became the new permanent member. And declaration, it India talked about all forms and manifestation of terrorism, and that all countries, member states, should focus on fighting against terrorism. And चाइना एक्चुअली ऑफर्ड इंडिया टू बी पार्ट ऑफ बी आर आई इंडिया ने कहा कि जब तक सीपेक है बिकॉज इट पासिस थ्रू एन इीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरी इंडिया विल नॉट बी पार्ट ऑफ द बी आर आई सो ऑल ऑफ दिस वेरी हाईलाइट ऑफ द एस सी ओ उसका जो डिक्लेरेशन था वो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन था एंड थीम इज टूवर्ड अ सिक्योर एस सी ओके नेक्स्ट वी कम टू टेपा टेपा अगेन इन न्यूज दिस ईयर 2024 में तो टेपा इज अ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट फ्री ट्रेड एसोसिएशन जहाँ पे चार नॉन ई यू कंट्रीज के साथ ये ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है कौन से चार हैं आइसलैंड लाइन नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड ये चार कंट्रीज नॉन ई यू है बट यूरोपियन हैं एंड इनके साथ ये साइन किया है क्या है इसके हाइलाइट्स सो ई एफ टी एज कमिटेड टू प्रोमोटिंग इन्वेस्टमेंट्स टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ फॉरिन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स बाई हंड्रेड बिलियन डॉलर इन नेक्स्ट फिफ्टीन ईयर एंड पहली बार एक लीगल कमिटमेंट भी दिया गया है टू प्रोमोट टारगेट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट एंड द क्रिएशन ऑफ जॉब सो बेसिकली क्या कहा जा रहा है ये इन्वेस्टमेंट जो दिया जाएगा वो जॉब क्रिएशन में यूज किया जाएगा राइट सो दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट टाइम ऐसे किया गया है यूजली क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट दिया बोला जाता है कितना हम इन्वेस्ट करेंगे कोई स्पेसिफिक पॉइंट uh, नहीं दिया जाता है बट इस टेपा में पर्टिकुलरली क्रिएशन ऑफ जॉब्स पर काफ़ी फोकस किया गया है उसके अलावा द ई एफ टी एज मार्केट एक्सेस ऑफर्स basically covers 100% of non agricultural products and a tariff concession on processed agricultural uh, products india has offered 105 subsectors to the efta secured commitments in 128 subsectors from switzerland 114 from norway 107 from liechtenstein and 110 from iceland tepa has provisions for mutual recognition agreements in professional services like nursing चार्ट अकाउंटेंट्स आर्किटेक्ट एक्सेट्रा सो टेपा वॉज ए न्यूज यू शुड नो टेपा अच्छे मतलब इंडिया हैज सिक्योर्ड एज विद यूरोपियन कंट्रीज अभी तक ई यू के साथ नहीं हो पाया है ना ही यूके के साथ हो पाया है बट ये चार नॉन ई कंट्रीज के साथ ये ट्रेड अग्रीमेंट हो चुका है ओके वी मूव टू जी मेजर आउटकम्स ना आई एम ऑलरेडी श्योर या हंड्रेड परसेंट श्योर कह सकते हो कि आपके पास खुद के जी ट्वेंटी के नोट्स होने वाले हैं ठीक है आई नो यू ऑलरेडी हैव द डिटेल्स अगर नहीं है तो यू कैन गो बैक आई हैव डन डिटेल्ड हाईलाइट्स ऑफ मेजर आउटकम्स ऑफ द जी ट्वेंटी ठीक है तो यू कैन गो टेक अ लुक एट दैट वीडियो एंड गेट द इनफॉर्मेशन बट टूडे वट एम गुड कवर हियर इज जस्ट हाइलाइट्स, जस्ट द मेजर आउटकम्स पूरा मैं डिटेल्स नहीं देने वाली हूँ यहाँ पे आप अपने नोट्स को यहाँ पे ऐड करोगे दैट्स व्हाट यू हैव टू डू विद दिस मेजर आउटकम्स ऑफ द जी ट्वेंटी तो सबसे पहला क्या है अफ्रीकन यूनियन का एडमिटेंस राइट अफ्रीकन यूनियन हैज़ नाउ बिकम पार्ट ऑफ द जी ट्वेंटी और इट हैज़ नाउ बिकम जी ट्वेंटी वन ना दिस वॉज अ मेजर मूव बाई इंडिया बिकॉज ग्लोबल साउथ वॉज नॉट यूनिफाइड ठीक है इसी वजह से अफ्रीकन यूनियन आने की वजह से दी ग्लोबल साउथ बिकम्स मोर स्ट्रॉन्ग नेक्स्ट इज द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस आफ्टर द इंटरनेशनल सोलर अलायंस दिस इज द सेकेंड बालायंस दैट इंडिया हैज मेड ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी विच इज ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इसमें कई सारे इनिशिएटिंग मेम्बर्स हैं

जनधन योजना आधार एज वेल एज मोबाइल ट्रिनिटी पे काफ़ी फोकस किया गया है उसके अलावा देर वॉज अ प्रॉमिस टू ट्रिपल दी ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाई ट्वेंटी थर्टी ट्वेंटी थर्टी का ही टारगेट रखा गया है द जी ट्वेंटी ऑल्सो टॉक्ट अबाउट डेकन जी ट्वेंटी हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑन फूड सिक्योरिटी एंड द मिलिट इनिशिएटिव कॉल्ड द महारशी तो महारिषि एंड द हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑन फूड सिक्योरिटी इन दोनों पे काफी फोकस किया गया है सो इफ आई गिव यू द सेवन प्रिंसिपल्स अंडर दीज हाई लेवल प्रिंसिपल्स दे आर वन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन एंड फूड सिक्योरिटी नेट प्रोग्राम थ्री क्लाइमेट स्मार्ट अप्रोचेज inclusivity of agricultural food system one health approach digitalization of the agricultural sector and scaling responsible public and private investment in agriculture maharishi ka kya hai full form millets and other ancient grains international research initiative which is basically international year of millet 2023 say uske baad after tak there's going to be a lot of research on the use of millets so this has been done on fighting or टॉकिंग अबाउट द फूड सिक्योरिटी इशू राइट उसके अलावा इफ़ यू टॉक अबाउट इट देर वॉज पॉलिसी अबाउट क्रिएटिंग अ फ्रेमवर्क फॉर क्रिप्टो करेंसी ऑल्सो ऑन दी मल्टीलैटल डेवलपमेंट बैंक दी एम डी बीज उनके बारे में भी इट वॉज मैंशन इन दिल्ली डिक्लेरेशन अपार्ट फ्रॉम दैट देर वॉज कंडेमिंग टेररिज्म इन ऑल फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन ये काफी इंटरेस्टिंग था क्योंकि बाली डिक्लेरेशन उससे पहले वाला डिक्लेरेशन में टेररिजम पे कुछ बात नहीं था एफ पे बात हुआ था फाइनेंसिंग ऑफ टेर्रिज्म पे बात हुआ था बट दिल्ली डिक्लेरेशन में डायरेक्टली ऑल काइंड ऑफ टेररिज्म ऑल फॉर्म्स ऑफ टेर्रिज्म को कंडेम किया गया है उसके बाद दी दिल्लीज़ न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में हेल्थ केयर पर काफ़ी फोकस किया गया है एंड इट हज़ ऑल्सो टॉक्ट अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ एविडेंस बेस्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन ठीक है एविडेंस बेस्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन को भी किस तरीके से इंटीग्रेट किया जाए उस पर भी फोकस किया गया है अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया एंड ब्राज़ील ऑल्सो टॉक्ड अबाउट इंडिया मर्कोसर जो पी टी ए है उसको फिर से रिन्यू करने के लिए बात की गई है एंड क्लाइमेट फाइनेंसिंग पे बात की गई है कि हाउ इट इज देर अ नीड फॉर अ क्वांटम जम्प दैट इज डेवलप्ड कंट्रीज ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज हैव टू गिव मोर मनी फॉर क्लाइमेट फाइनेंसिंग दैट इज़ ट्रांजिशन ऑफ

Next we come to MOU on the Pharmacopoeia Recognition. What is Pharmacopoeia Recognition? Basically standardization of pharmaceutical production. ठीक है? अब इंडिया निकारागुआ ने ये partnership को sign किया है. अब इंडिया का खुद का इंडिया Pharmacopoeia फार्म, एक ये है क्या कहते हैं? Standards हैं. जहाँ पे drugs in India which is manufactured basically produced in India, they have to be Uh, under a particular testing method formulation uniformity and quality it is the ip that's the india pharma pharmacopoeia has a legal status under the drugs and Co cosmetics acts of 1940 and this ip hai, it is recognized by several countries which is nicaragua afghanistan ghana nepal mauritius and suriname basically kya hai ye? basically the countries accept that indian pharma uh, the medicines that is developed in India uh, should be available easily in these countries. You have all heard about reports that particular medicine मेडिसिन खाने से बहुत डिजास्टर uh, हुआ है कुछ कंट्रीज़ में जिसके वजह से डब्ल्यू एच ओ ने यू नो इट हैज रेज कि भाई इंडिया का फार्माकोपिया का रिकॉग्निशन का कुछ गड़बड़ है प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हो पा रहा है तो इसको लेके भी लास्ट ईयर काफ़ी बज में था कई सारे बच्चों को बहुत सारा यू नो दे हैव बीन हार्म बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर कफ सिरप जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा था ऑल ऑफ दिस बेसिकली कम्स टू आईपी बट सर्टेन कंट्रीज लाइक दिस हैव एक्सेप्ट दैट इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑफ फार्माकोपिया एंड सर्टेन कंट्रीज हैव स्टार्टेड सेइंग दैट ये प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है वट एवर बी द केस देर इज अ लॉट ऑफ बज ऑन दिस सो यू शुड नो वट इज फार्माकोपिया एंड निकारा गोवा के साथ हमने भी साइन किया है ये ओके नेक्स्ट वी कम टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री विल यू समिट नेटो समिट राइट नेटो समिट अब दू फोटोग्राफ एग्जैक्टली वॉट तुमको सपोर्ट करेंगे ये है वो है तो यूक्रेन को लगा कि हम नेटो के मेंबर बन जाएंगे पर नेटो का तो मेंबर बना नहीं सभी हाथ हाथ मिला रहे हैं उनको अकेला छोड़ दिया एग्जैक्टली यही हुआ विल समिट पे ठीक है सो नेटो का समिट था एंड दी आइडिया वॉर्स की यूक्रेन को फंडिंग दी जाएगी वेपन्स दिया जाएगा टू फाइट अगेंस्ट रशिया बात सोचा गया था कि यूक्रेन मेंबर बनेगा नेटो का नेबर नहीं बनाया गया बट इंटरेस्टिंग ये था कि जो बाल्टिक स्टेट्स है स्टोनिया लाटविया लिथुआनिया दे साइन अ ज्वाइंट स्पेस डिफेंस अग्रीमेंट जहाँ पे दे सेट की भाई डिफेंस पे दे आर गोइंग टू एक्चुअली वर्क टुगेदर ताकि मिसाइल एंड डिफेंस सिस्टम बना पाए इन एयर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक एम भी साइन किया गया है ग्यारह नेशन एंड यूक्रेन के बीच में जहाँ पे एफ सिक्सटीन ट्रेनिंग क्वालिशन बनाया जाएगा यूक्रेनियन पायलट्स को एफ सिक्सटीन चलाने में और प्रॉपर यूज करने के लिए उसको ट्रेनिंग दी जाएगी ठीक है सो दैट हैज़ बीन पार्ट ऑफ़ दी एफ सिक्सटीन ट्रेनिंग क्वालिशन कौन है इस क्वालिशन में कैनेडा बेल्जियम डेनमार्क लग्जमबर्ग नैदरलैंड नॉर्वे पोलैंड पोर्टुगल रोमानिया स्वीडन एंड द यूके तो ये एफ सिक्स बनाया गया है इन द दी टी थ्री ये नेटो का समिट था ओके वी कम टू कॉप एज एट कॉप के नोट्स भी आपके पास ही होंगे बट अगेन हाईलाइट आई एम गोन टू टॉक अबाउट इट नॉट द इंटायर डिटेल वन वॉज ऑफकॉर्स दॉस एंड डैमेज फंड विच वॉज़ फाइनलाइज्ड राइट सो ऑल देंबर कंट्रीज आ अग्रीड अपॉन ऑपरेशनलाइजिंग द लॉस एंड डैमेज फंड ये फंड का जो आइडिया था वो वन आ टू वन वू आइलैंड ने पहली बार दिया था बट उसके बाद ये इस फंड को ऑपरेशनलाइज किया गया कॉप ट्वेंटी एट में एंड इट इज़ बेसिकली एम्ड एट कॉम्पेंसेटिंग कंट्रीज ग्रैपलिंग विथ क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ठीक है so that is important world bank will be the interim host of the fund for four years which is going to align with the unfccc and the paris agreement Uske alawa, there was global stock take text which was basically a review mechanism as per the paris agreement of 2015 and this text ka fifth iteration hua hai, jo accept kiya hai, and there was no objection to it अपार्ट फ्रॉम दैट क्लाइमेट फाइनेंस पे एक न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल दिया गया है जहाँ पे ये बोला गया है कि दल्दी नेशंस हैं दे ओ 500 बिलियन यूएसडी इन 2025 टू दी ग्लोबल साउथ कंट्रीज ठीक है सो दिस एनसीक्यूजी दैट इज न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल वाज कंफर्म्ड बाई द डेवलप्ड कंट्रीज अंडर द पैरिस अग्रीमेंट सो दैट वॉज ऑल्सो डिस्कस्ड उसके अलावा तीन प्लेजेस तीन प्लेजेस पे भी फोकस किया गया है व्हाट आर द थ्री प्लेज वन इज द ग्लोबल मीथेन प्लेज जहां पे मीथेन गैस को कट करने की बात की गई है राइट इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ द प्लेज दूसरा जो प्लेज है वो है ग्लोबल रिन्यूएबल्स एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज बेसिकली दे ऑल द कंट्रीज आर गोइंग टू वर्क टुगेदर टू ट्रिपल द वर्ल्ड्स इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी ठीक है एक सेकेंड प्लेज है तीसरा प्लेज है ग्लोबल कूलिंग प्लेज जो कूलिंग यूज होती हैं चाहे वो एयर कंडीशनर्स हो कूलर हो उनसे जो एमिशन होता है उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा उसके लिए ये ग्लोबल कूलिंग प्लेज रखा गया था कॉप ट्वेंटी एट में तीन प्लेजेस यू शुड नो द थ्री प्लेज उसके अलावा देर वॉज ऑफकोर्स ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टन पे बात किया गया है एंड डिक्लेरेशन टू ट्रिपल न्यूक्लियर एनर्जी पे बात किया गया है पावरिंग पास्ट कोल अलायंस पे बात किया गया है एंड देन दे वॉज क्वालिशन फॉर हाई एम्बिशन मल्टी लेवल पार्टनरशिप फॉर क्लाइमेट एक्शन सो दीज सर्टिन गोल्स वेर ऑल्सो टॉक्ट अबाउट इन दी कॉप ट्वेंटी एट वॉट इज मोर इंपॉर्टेंट इज इंडिया लेड इनिशिएटिव एट कॉप ट्वेंटी एट दो इनिशिएटिव थी ग्लोबल रिवर्सिटीज अलायंस नाउ दिस वॉज Or led by the National Mission for Clean Ganga under the Ministry of Jal Shakti, and the partner countries are Egypt, Netherlands, Denmark, Ghana, Australia, Bhutan, Cambodia, Japan, and the river cities of Hague—that is uh, the netherlands ka Adelaide from Australia and Zolnok of Hungary. So there are certain river cities and some countries who have partnered in this Global River Cities Alliance. And the second thing is the Green Green Credit Initiative. India launched the Green Credit Initiative to create a participatory global platform for exchange of innovative environmental programs and instruments. This is India ka initiative tha at COP28. You should know the partner countries of Global River Cities Alliance because, again, it is an alliance that India has made in the climate change perspective. the so, ecogia international solar alliance, biofuel alliance, now global river cities alliance, bhi ho hai. so you should know concept partner countries and concept partner, or yeah, river cities, hai, who are part of the india-led initiatives. Chalo. with this, we'll wrap up the international agreements that were in news. i hope you have been able to follow it through. any doubt ho, as usual, feel free to connect with me. Uh, in Instagram or Telegram, and I'll try to resolve it as soon as possible. Best of luck for your prelims. Now it's the time to, you know, kind of push yourself the last mile and keep giving as many tests as possible so that you know you can get into the habit of giving tests. Chali, best of luck, and I'll see you in the next video uh, which I'm going to do on international organizations. Take care and thank you for joining me today study iq is abd yarihui affordable